आ तो गया तुराब खाएगा। क्या खा रहे हो? वो छिलका खा रहे तो मतलब अंडे भी खाएगा तुराब। ऐसे तुम डर रहे थे, पता नहीं ये छिलका भी डाल दो इसके अंदर, तोड़ दो। हाँ चलो ऑस्ट्रिच यार, हमने ऑस्ट्रिच को ना एग्स दिए हैं आज। हमें उन्होंने कहा था जहाँ से लिया था कि इसको एग्स खिलाना है, बड़े शौक से खाएगा। बाकी कोई चीज इतना शौक से नहीं खाता, लेकिन ये एग्स जो है ना इसको बहुत पसंद है। मतलब अंडे बता दो फिर, चलो गलत किया तुमने, ये बताना पड़ेगा। बताओ बताना था ना, खुशखबरी देनी थी। अच्छा दे दो, तुम ही दे दो। हाँ बता दो। ओ यार आप हमारे फ्यूनों को देख रहे हैं ना, रोज देखते होंगे, लेकिन हमारे फ्यूनों ने आपको पता है पिछले कुछ महीने पहले इसने दिए थे बच्चे, और वो बच्चे थे तकरीबन 6। और अब हमारे को ना फिर से माँ बनने वाले भाई, एक महीने तक जो ना फिर से बच्चे दे देगी। वाओ हाँ जी यार, ये देखे मोटी भी हो गई है, मोटी भी हो गई है, और ये बच्चे वापसी देने वाली है। एक महीने के अंदर हमने छुपाया होता, हमने कहा एक साथ बनाएंगे, लेकिन पेट में हजम नहीं हो रही थी बात, हमने पहले ही बता दिया। हमने कहा एक साथ सरप्राइज कर दो सिप्टेन, इसको ना अंदर ही छोड़ दो, बेचारी गर्मी में लेके आ गए सिप्टेन तुम। देखिए यार फ्योना का वजन भी बढ़ता जा रहा है, काफी मोटी मोटी होती जा रही है। बस 30 दिन के अंदर अंदर फ्योना बच्चे दे देगी, और यहाँ पर क्यूट क्यूट से बच्चे आएंगे। और मेरा इस दफा दिल करता है कभी फ्योना जो बच्चे देना एच क्यू पर जाए। पहले फ्योना ने कहते तो मैं भी आ जाता हूँ यार, कोई मसला नहीं है। हाँ ठीक है फिर मैं बाहर ही ठहरता हूँ। फिर सिप्टेन ना मास्टर केयर की सफाई सफाई कर रहा है, झाड़ू झाड़ू दे रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। पता नहीं कितने दिनों से इसने सफाई नहीं की, बहुत ज्यादा कचरा हुआ पड़ा है। मैं ये घास डाल देता हूँ रैबिट्स को। सिप्टेन दरवाजा खोला हुआ है, परिंदे उड़ जाएंगे। घास डाल दो भाई, खाओ शाबाश। तो यार ये वाले घास हम रैबिट्स को डाल देते हैं एक यहाँ पे, चलो भाई खाते रहो भाई, बहुत मजे से खाएंगे। और देखिए कचरा कितना जमा हो गया है। भाई रैबिट्स को तो हटाओ, बेचारे मट्टी में है सारे। चलो अपना काम करो, तुम काम कर दोस्तों, यार ये काम करता रहेगा। हमारी वीडियो मिस करता हूँ, आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक आदमी।